Good evening my dear students I welcome you all in my EVS class and today we are going to discuss about the part 2 of family and relationship all right EVS chapter 1 we have already discussed the explanation of this chapter and now we are going to do the question answer of this chapter all right so let's begin question number 2

बच्चे को वैसा ही बड़ा करते हैं जैसे आप अपने बच्चे को प्यार और केयर के साथ करते हैं ठीक है दे गो टू ऑर्फनेज और अडोप्शन सेंटर टू अडॉप्ट चाइल्ड लीगली ठीक है तो ऐसे पेरेंट्स जिनको यू uh, नो you know, जो अडोप्शन करते हैं वो बच्चे ऑर्फनेज को जाते हैं या फिर किसी अडोप्शन सेंटर में जाते हैं बच्चों को लीगली अडोप्ट करने के लिए और फॉस्टरिंग क्या होता है फॉस्टरिंग मीन्स टू टेक केयर एंड हेल्प टू ग्रो एंड डिवेलप द चाइल्ड ठीक है तो फॉस्टरिंग का मतलब टेक केयर बच्चे की देखभाल करना उसकी बढ़ने में उसकी ग्रोथ में उसके विकास में उसकी मदद करना ठीक है यहाँ पर भी वही चीज होती है लेकिन एडॉप्शन में क्या होता है कि आप एक लीगल प्रोसेस के तहत उस बच्चे को अपनाते हो जबकि फॉस्टरिंग में आप बच्चे को लीगली अडॉप्ट नहीं करते हो इज दैट क्लियर नाउ वट इज द डिफरेंस बिटवीन मैमल्स एंड एग लिइंग एनिमल्स ठीक है यू कैन चेक हियर सेकेंड क्वेश्चन इज मैमल्स एंड लेग एंग एनिमल्स ठीक है सो नाउ आई विल डिस्कस ऑन दिस मैमल्स एंड एग लेइंग एनिमल्स मैमल्स मीन्स एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वीड देम ऑन देअर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स सो हियर यहाँ पर स्पेलिंग मैमल्स में मिसप्रिंट हो गई है ई नहीं होगा ठीक है सो वेट लेट मी हेल्प यू ठीक है मैमल्स से ही हटा देंगे तो ऐसे एनिमल्स जो छोटे बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मैमल्स कहते हैं द बेबीज फेड ऑन मदर्स मिल्क फॉर एग्जाम्पल लायन इट्स काउ ठीक है लायन कैट्स काउस कैमल्स एक्सेट्रा ठीक है एग लेइंग एनिमल्स ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं और हैच करते हैं इंक्यूबेशन करते हैं अपने एग का जिससे कि उस एग से एग का जो शेल होता है उस एग शेल से बेबी बाहर आ सके उसे हम उन ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं एग लिंग एनिमल्स कहते हैं ठीक है और वो अपने बच्चे को मिल्क नहीं पिलाते दे ड फीड मिल्क टू दियर बेबीज और राइट यहाँ ऐसा ऐड कर देना बी ए बी आई ई एस देन फुल स्टॉप फॉर एग्जाम्पल फिश बर्ड्स फ्रॉग इंसेक्ट्स एक्सेट्रा ऑल राइट

Complete the following table about your family. So, you have to write your mother's name, your mama's date of birth here. योर फादर्स नेम और आपके पापा की एज क्या है वो आपको लिखना है ओल्डेस्ट फैमिली मेम्बर आपके घर में जो सबसे बड़े हैं फैमिली मेम्बर में उनका नाम लिखना है और जो अभी सबसे छोटे फैमिली मेम्बर हैं उनका नाम लिखना है हु इज़ हेड ऑफ़ द फैमिली यू हैव टू राइट हेयर आपकी मम्मा की क्वालिफिकेशन क्या है यू हैव टू मैंशन हेयर और आपके पापा की क्या क्वालिफिकेशन है ये भी आपको लिखना है इज दैट क्लियर नाउ आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट वन वर्ड आंसर येस क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर बुक द लीगल प्रोसेस ऑफ रेजिंग another child चाइल्ड एज योर ओन ठीक है ऐसा जो हम लीगली जब बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उसको डिवेलप करने में उसकी हेल्प करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एडोप्टेसन कहते हैं लेकिन जब हम बच्चे की यू you नो know, जब हम बच्चे को यू um, नो you know, टेक केयर करते हैं उसकी डेवलप होने में उसकी हम हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ में हम उसकी हेल्प करते हैं लेकिन हम लीगल प्रोसेस नहीं अपनाते तो उसे हम क्या कहते हैं जस्ट Tell me in chat box, write in chat box because I have told you right now. So I'm expecting that you must be knowing the answer. So if you are knowing the answer, please type in chat box. ओके एनिमल्स विच गिव बर्थ टू दियर उन्हें हम क्या कहते हैं मैमल्स कहते हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द एग वॉर्म्स ठीक है ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो एग लेंग एनिमल्स होते हैं वो अपने अंडे को वो अपने अंडे को गर्म करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इनक्यूबेशन कहते हैं ठीक है एन एनिमल दैट हैचेस फ्रॉम एन एग एक एनिमल जो है वो यू नो अंडे से जब हैच हाँ होके बाहर निकलता तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन राइट सो आई हैव गिवन टू एग्जाम्पल्स हियर यू कैन राइट एनी ऑफ देम बर्ड स्नैक माई मदर्स पेरेंट्स आई हैव टोल्ड यू ना कि जो मम्मा के साइड के पेरेंट्स होते हैं उनको हम मैटरनल पेरेंट्स कहते हैं और जो पापा के साइड के पेरेंट्स होते हैं उनको हम पैटर्नल पेरेंट्स कहते हैं

Okay. Now, last question. List some values that children should learn from their families. So there are the list. Children should learn these basic values from these from their families. Okay. So here also there is a misprint. have these their. Okay. So their families. The first one is children should learn love, care, and support with one another. Learn. To help needy people, be kind to plants and animals. Children should learn about their family traditions and culture. Alright? So, children, thank you so much for watching. Bye.